मैंने काफ़ी आइटम सॉन्ग्स किए हैं, बट ये आइटम सॉन्ग जो हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी अर्सों के बाद आया है, इट्स काइंड ऑफ अ रेट्रो फील. सो इट इज़ वेरी सेडक्टिव, इट्स वेरी हैपनिंग. द म्यूजिक आपने म्यूजिक करवाया है जो कि बहुत ही प्यारा है, सारा कुछ काफ़ी अच्छा है. जब मैंने गाना सुना था मुझे इतना पसंद आ गया, मैंने सोचा कि ये गाना तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये गाने में वो फील था एक लड़की के बारे में बोलना, उसके बारे में बताना, तुम्हारी हलचल, तुम्हारी चीज़ें, इट वॉज सो अमेजिंग कि आई वॉन्टेड टू डू दिस सॉन्ग. और गाना इतना प्रिय है कि मैं श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा. सर, क्या आप कुछ गाने के बोल बोल सकते स्टार्टिंग के म्यूज़िक सर दादा कुछ गाना सुनाएंगे आपको, और थोड़ा सा मैं भी उनके साथ बोलूँगी. ये वाला गाना हाँ, दिल है दीवाना तेरा, महफिल में मुस्कुराना तेरा. आप समझ सकते हो गाना इतना रेट्रो बेस्ड है, जो हेलेन मैम ने इतने गाने किए हुए, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे भी वो एक फील मिला है और वो उसी हिसाब से गाना करने. सो इट्स अ वेरी ग्रेट फील. ओके, अगर इस तरह के सॉन्ग करना कितना आपने तैयारी की है? आपने ये फर्स्ट टाइम आप आइटम सॉन्ग हमेशा से अच्छी तरह से करते हैं, आग लगा देते हैं, मतलब आप तड़का दे देते हैं पूरे फिल्म में. बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है फिल्म में आइटम सॉन्ग. आइटम सॉन्ग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक गाने में, बिकॉज वो एक एंटरटेनमेंट. आज हम बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, बड़े से बड़े डायरेक्टर, सारे लोग उनके मूवी में एक आइटम सॉन्ग डालते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट जब एक आइटम सॉन्ग करते हो तो उसे एक लड़की की खूबसूरती निखर निखर कर दिखाना ऑडियंस को इतना अच्छा लगता है, बिकॉज नॉर्मल गाने तो होते रहते हैं, बट आइटम सॉन्ग करना vibrant, it vibrates your entire body, enhance your entire body. So whenever I do an item song, I feel that I love more and more myself. Okay sir, आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए किस तरह का song है, और जब आपने मैम के साथ ये सुनाया रहेगा तो उनका किस तरह का reaction था? ये गाना तो बड़ा अजीब time पर मैंने बनाया था. Actually मेरा जो दोस्त है director, इन्होंने मुझे बोला, आकाश जी, आकाश जी ने मुझे बोला कि भाई एक आइटम सॉन्ग चाहिए. तो मैं बोला भाई मैं तो अभी कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ. भाई नहीं नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी का अभी चाहिए. तो बोला भाई मैं तो अभी थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ. बोलता मुझे मतलब नहीं है, मुझे तुरंत चाहिए, एकदम तुरंत चाहिए. बोला भाई रुक जा. मैंने फिर गाड़ी साइड किया, बस वहीं पर 10 मिनट ये गाना को एक तड़का डाल के, मतलब उसे ही म्यूजिक बजे बजा के फिर इसको मैंने भेजा. हीना कितने दिन में प्रैक्टिस? तो मैंने काफ़ी जल्दी पकड़ लिया था, बिकॉज रेट्रो फीलिंग वो बॉडी में है, क्योंकि हमने हेलेन मैंने कल ही आया, बस एक बार देखा सुना बस. एंड आई हैड दैट बिकॉज कि रेट्रो गाने मैंने काफ़ी किए हेलेन मैम के अपने शोज में, तो वो फील एक मेरे बॉडी लैंग्वेज में थी. तो जब मैंने गाना सुना मुझे ऑलरेडी ऐसा लगा कि आई विल बी डूइंग great with it and I'll actually justice this song. Okay, आपको हेलेन जी और उन्होंने मुझे बोला देयर इज़ अ सॉन्ग हसीनों का दीवाना जो उर्वशी ने किया था, सो इट्स काइंड ऑफ अ दैट जॉनर वेयर शी इज ब्लोइंग हर हेयर, उसकी हेयर शी टॉक्स, वे शी एक्सप्रेस हर बॉडी लैंग्वेज, वे शी एक्सप्रेस टू द पीपल. इट्स उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया था, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं उस चीज़ को अपने में लाऊं और मैं वही दर्शकों को दिखाऊं. इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रोजेक्ट हैं तो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा अभी मराठी में आया है धनुष करके वो मूवी, उसमें मैंने एक अलग फ्लेवर किया है, वेस्टर्न लाउनी ही है उसमें मैंने. सो एंड देयर आर मेनी मोर. मैंने एक रुपेश पॉल जी के साथ भी मूवी की है, उसमें भी आइटम सॉन्ग मैंने किया है जो बहुत जल्दी ऑन एयर आने वाला है. आई हैव वर्क्ड ऑन बट इट इज़ गोना रिलीज वेरी सून. कहीं ना कहीं जिस फिल्म के साथ फिल्म भी बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर देती है, तो क्या कहना है इस फिल्म आपके सॉन्ग से कितना तड़का लगा देगा? फैन फॉलोइंग ये मेन इसका रीज़न है. आप बोल सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे फैंस काफ़ी खुश होते हैं जब मेरा कोई नया गाना आता है, और वो लोग हमेशा मुझे यही पूछते रहते हैं. सो आई थिंक आई गिव ऑल माई क्रेडिट टू माई फैंस हु बीन डूइंग अ ग्रेट सपोर्ट लव
और जब भी मैं उनको गाना तो हर महीने हर दिन मामा पर एक प्रोजेक्ट कब आ रहा है बॉलीवुड में. सो नाउ आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट इट. आई विल बी शेयरिंग माय दिस प्रोमो ऑफ दिस सॉन्ग ऑल्सो बहुत जल्दी उनके साथ. सो आई थिंक इट्स आई गिव अ माय क्रेडिट टू ऑल माय फैंस उनके वजह से. सर आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से थॉट आ गया आपके दिमाग में कि सडनली आपको आइटम सॉन्ग चाहिए था मूवी. डाउट एट ऑल कि ये इतनी ग्लैमरस है प्रोडक्शन और ग्लैमरस से काफ़ी मैं बताऊँ लोग इनको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे. तो बात करें कि जब हम डिस्कस किए तो सबसे पहले इन्हीं का पिक्चर हमारे सामने आया. तो मैंने फ्रेंड ने बोला यार चलो लग के तो स्टोरी की कोई डिमांड नहीं थी आपने ये और डिस्कस कर रहे थे और जो मेरे पार्टनर ने बोला यार मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटना मैंने बोला उसको साइड कर देते हैं उसको स्टार्ट करते हैं. और ये बायोपिक हमारे पार्टनर ये मेरे ही ऊपर बन रही है एक सिंपल सा बात करता हूँ. मतलब ये फिल्म देखने के बाद शायद ही मुझे लगेगा जो देखेगा वो शायद ही मतलब हारना मतलब मैं बोलूँगा मौत के मुंह से निकल के आए और आज आपके सामने चले आए और लाइफ इतनी घटना घटी इनके साथ फाइट करेंगे कहीं पॉलिटिशियंस और मीडिया मिल जाएगी तब क्या फाइट करेंगे आप फाइट कर थोड़ी मीडिया में आज के डेट में अगर हो ना तब तो क्या होता है पॉलिटिशियन मीडिया में कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता कोई कुछ नहीं कर सकता. तो बात Who's the politician? You guess. Politician आप guess कर लीजिएगा मूवी देख के. आज जो ये आइटम सॉन्ग है ये आज फाइनली रिकॉर्ड होने वाला है अपना वो एशियन म्यूजिक जो स्टूडियो है वहीं पे होने वाला है और इस पर गाना गा रहे हैं आपका सलीम अली इसमें लोकेशन है पूरा शिलोंग दिखाया मेघालय दिखाया जरूर आपको सारी चकाचौंध देखकर मजा आएगा. और हमारे लिए सबसे टफ बात ये है कि हम उस एरा को जी रहे हैं. एक्चुअली वी आर प्लेइंग द कैरेक्टर्स लाइक दैट टाइम हम लोग क्या बिता होगा उनको कैसे बिहेव करते हैं मतलब उनका सोच क्या था तो उनको इमिटेट करना इट्स अ रियली टफ जॉब फॉर अस. तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को निभाने की और मेरे ख्याल से मेरे और वेरी टैलेंटेड तो हम सब ने मिलकर बहुत कोशिश की है कि मूवी बहुत अच्छी बने और अच्छा बना भी है. तो हम चाहते हैं और सबसे बोलते हैं कि प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट ये एक तरीके से ब्लेसिंग ही अब मानो कि हमें जो डायरेक्टर साहब मिले पूरी टीम मिली पड़ी प्रसंजीत महापात्रा और राजेश जी आज के ज़माने में हमारे फोकस हो गया बहुत क्लियर किया.